हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आपकी जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है उसका डेट अभी भी अनाउंस नहीं है, तो अगर आप कुछ चीज़ों में कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे ग्रोथ में कोई थ्योरी है, हैरे डोमर है, सोलो है, उसको आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं, या माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि फैक्टर प्राइसिंग है जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, VMP, MPP, इन सब चीज़ों की बात की गई है, ये सब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और मैंने देखा है एग्ज़ाम में कि अक्सर ज़्यादातर लोग इन्हीं क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, तो क्योंकि अभी डेट अनाउंस नहीं है तो आप चीज़ों को जो है फिर से दोबारा से जाके बुक से करिए। और सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम आपको 110 लाना पड़ेगा, और 110 ला के आप जो है सिलेक्शन डेफिनेटली पा जाएंगे। तो सिलेक्शन पाना है तो 110 लाना है। मेरा नाम हिमांशु कुमार वर्मा है और ये मेरी एजुकेशनल डिटेल्स हैं। प्रिपरेशन के दौरान यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है और कोई क्वेरी होती है, कोई समस्या होती है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। पिछली वीडियो में एडम स्मिथ की जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में उसी का जो इम्प्रूवमेंट किया है डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में, इसके बारे में हम बात करेंगे। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज में एक बार जान लेते हैं। उन्होंने बोला था कि दो नेशंस कैन म्यूचुअली बेनिफिटेड ट्रेड तब संभव है जब कोई एक नेशन एक प्रोडक्ट में एफिशिएंट है और दूसरा नेशन प्रोडक्ट बी में एफिशिएंट है, तो जो है जो ट्रेड उन दोनों के बीच में होगा वो म्यूचुअली बेनिफिटेड ट्रेड होगा। डेविड रिकार्डो ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया। अब एक्चुअल सिचुएशन में आप देखेंगे तो दो नेशन, फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको ले लें, तो यूनाइटेड स्टेट्स तो बहुत बहुत प्रोडक्ट्स में जो है एफिशिएंट होगा, कोई भी दो प्रोडक्ट हों, क्योंकि एक डेवलप्ड है और एक अंडर डेवलप्ड है। अपने यहाँ का केस ले लें तो इंडिया और बांग्लादेश ले लें, ठीक। तो इसमें क्या है कि एक, अब डेविड रिकार्डो कहते हैं कि यदि एक नेशन जो है दोनों दोनों प्रोडक्ट में एफिशिएंट है और दूसरा नेशन दोनों प्रोडक्ट में इनएफिशिएंट है, इस कंडीशन में भी जो है ट्रेड जो है म्यूचुअली बेनिफिटेड होगा, बशर्ते ये कि जो प्रोडक्ट जो नेशन जो है इनएफिशिएंट है वो जिसमें लेसर इनएफिशिएंट है, जिसमें जो है डिसएडवांटेज जो है कम है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे और द एफिशिएंट नेशन विल प्रोड्यूस इन विच ही इज़ मोर एफिशिएंट। अब यहाँ पे जो 1817 में इन्होंने पेपर निकाला था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इन्होंने इसी थ्योरी में इन्होंने बात की थी। इवन इफ वन नेशन इज लेस एफिशिएंट then the other nation in production of both commodities, there is still basis of mutually beneficial trade. If first nation specializes in production and export of the commodity in comparative advantage, जिसमें उसको comparative advantage अधिक है उस product में जो है efficient nation production करे। इसके कुछ assumptions हैं, अभी जो है table एक देखेंगे, उसी table में सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उससे पहले हम assumptions पढ़ लेते हैं। वैसे तो जो PGT एग्ज़ाम उसमें अजम्पशन वगैरह नहीं आते हैं, जनरली आपका UGC नेट में ज़्यादा आता है ये सब। 2:2:1 मॉडल है, यानी कि टू कंट्रीज हैं, टू प्रोडक्ट है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1, यानी कि सिर्फ लेबर है। लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नो बैरियर्स फ्रॉम ट्रेड, पूरा फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं। होमोजीनियस लेबर, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो एक सेम है, परफेक्टली मोबाइल विद ईच कंट्री, ये एक अजम्पशन लेके चलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो डेवलप की है जिन्होंने, वो सब ये सारी अजम्पशंस आपको एडम स्मिथ की थ्योरी में भी लिख सकते हैं। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट की या जो उत्पादन हो रहा है वो लेबर की ही वैल्यू पर बेस्ड है, जो लेबर हो रहा है वही जो हमारा कमोडिटी है, ये माना गया है इस थ्योरी में। नाउ वी विल मूव फर्दर, ये टेबल है। अब यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं, प्रोडक्शन बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोडक्शन आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, और ट्रेड के बाद, व्यापार के बाद जो चेंजेस आए उसको देखेंगे। दो कंट्रीज हैं UK एंड यूनाइटेड किंगडम, दो प्रोडक्ट हैं वीट एंड क्लोथ। वीडियोस बनाने का मेरा एक मकसद है बस कि चीज़ों को जो है बहुत कम शब्दों में ऐसे याद किया जाए जो हमेशा हमको याद रहे, ताकि ज़्यादा जो है कहानी ना याद करनी पड़े और हमारे जो नोट्स भी हों वो भी एकदम क्रक्स हों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर ज़्यादा कहानी हो गई तो। इस तरह की टेबल आप याद करेंगे तो चीज़ों को एकदम से जो है रिकॉल कर सकेंगे।
तो बिफोर ट्रेड हम देखते हैं कि जो वीट है यूनाइटेड स्टेट्स वो 6 प्रोड्यूस करता है और क्लोथ 4, वहीं यूनाइटेड किंगडम वीट जो है 1 एंड क्लोथ 3। ठीक, इस केस में हम देखेंगे कि जो वीट है ये 6 गुना जो है एफिशिएंट है, कौन, यूनाइटेड स्टेट्स, और एफिशिएंट ये क्लोथ में भी है लेकिन लेस एफिशिएंट है। इनका डिसएडवांटेज दोनों में, यूनाइटेड किंगडम का एज कंपेयर्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स, डिसएडवांटेज आप देखिए दोनों प्रोडक्ट्स में है, लेकिन लेसर डिसएडवांटेज किस में है, लेसर डिसएडवांटेज क्लोथ में है, क्योंकि उनका जो वीट है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे है, लेकिन क्लोथ में ये ज़्यादा पीछे नहीं है एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। इस कंडीशन में आप रेशियो के थ्रू निकाल सकते हैं कौन ज़्यादा एफिशिएंट है कौन नहीं। इस कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड वाइल यूनाइटेड किंगडम विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। ठीक, तो बिफोर ट्रेड का प्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, 10 है और 4 है, यानी कि टोटल आउटपुट, वर्ल्ड आउटपुट क्या है, 14। वर्ल्ड आउटपुट 14 है, 10 + 4 = 14। ओके, नाउ दे विल स्पेशलाइज इन ईच प्रोडक्ट्स, और उसके बाद आफ्टर ट्रेड 12 हो जाएगा, दोनों लेबर इन्होंने इसमें लगा दिया तो 6 6 12 हो गया, और इन्होंने लगा दिया 3 3 6 हो गया। नाउ टोटल आउटपुट इंक्रीजेस बाई 12 6 18, टोटल आउटपुट इंक्रीजेस बाई +4, और वो +4 हम यहाँ देख सकते हैं कैसे चेंज आया है इस टेबल में, चेंज इन प्रोडक्शन। एक बार कहानी देख लो, यूके हैज़ एन एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन बोथ द प्रोडक्ट्स, ये बताया हमने, दोनों ही प्रोडक्ट्स में उसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, एंड यूएस हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ, बट यूके हैज़ कंपेरेटिव एडवांटेज ऑन क्लोथ। ऑन द अदर हैंड यूएस हैज ग्रेटर एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वीट देन यूके। देखो 6:1 के जो है एफिशियंट है मोर, और यहाँ पे भी एफिशियंट है पर जो रेशियो है वो कम है, इसलिए यूएसए विल गो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। ये सारी कहानी पहले ही बता दी, फिर बता दी, और ये जो है इस तरह से, बस इस तरह से जो है टोटल आउटपुट चेंज होगा और ट्रेड में फायदा होगा। नाउ दो और अजम्पशंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसको देख लेते हैं। रिकार्डो लेड डाउन एम्फेसिस ऑन सप्लाई, एम्फेसिस ऑन सप्लाई। ओके, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे इंटरनेशनल में वो सप्लाई साइड को जो है मोर फोकस करते थे। कॉन्स्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन ईच इंडस्ट्री बट डिफरेंट अमंग टू कंट्रीज इन एटलीस्ट वन इंडस्ट्री। देखो एक देश में दो इंडस्ट्री हैं, मान लो क्लोथ की हो गई और दूसरी थी एग्रीकल्चर वाली, तो जो MPL है वो कॉन्स्टेंट है लेबर का दोनों में, लेकिन जब दो कंट्रीज़ की बात करेंगे तो एटलीस्ट एक इंडस्ट्री में जो MPL है वो डिफरेंट होगा, ये अज्यूम किया था डेविड रिकार्डो ने। कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, उसको देख लेते हैं जल्दी से। क्रिटिसिज्म देखने का क्या रीज़न है, क्या क्रिटिसिज्म पूछा जाता है? क्रिटिसिज्म जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन क्रिटिसिज्म से क्या है कि आगे जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो क्रिटिसिज्म बेस्ड ही होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए स्टैटिक थ्योरी है, एक दिस इज़ अ स्टैटिक थ्योरी, अगर ये स्टैटिक है तो किसी ने डायनामिक भी बनाई होगी, या अगर किसी ने नहीं बनाई तो क्यों नहीं बन पाई, ठीक, या बनी तो कौन बनाया, क्वेश्चन बनता है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड ऑन लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट वैल्यू जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो है चीज़ों को ना लेके मार्केट का जो गुड है उसको लेबर कॉस्ट की वैल्यू पर बेस कर रहे हैं, ये तो अनरियलिस्टिक अजम्पशन हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट अज्यूम कर रहे हैं, ये भी जो है चल नहीं पाता है। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बिल्कुल ही मतलब आइडियलिस्टिक है, रियल लाइफ में तो एकदम जो है होता ही नहीं है, ठीक, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हो गया आपका। टेस्ट जो है अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट होता है। फिर जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है, इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ गेंस फ्रॉम ट्रेड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। ठीक, जो एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ था, जो एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ जहाँ पर +2 और +2, ये आपस में ये लोग कैसे बांटेंगे, ये पहले तो इनके पास यूएसए के पास 6 था, अब 12 है, तो प्लस जो है 6 हो गया, इसमें से कितना देंगे ब्रिटेन को, और इनके पास जो है 3 ही था, अब +3 हो गया यहाँ तो 6 हो गया, अब ये इसमें से जो है यूनाइटेड स्टेट्स को कितना देंगे, ये कैसे डिटरमिन होगा, ये तो इसमें बताया नहीं गया, तो इसको जो है इसी को फर्दर डेवलप करके रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, इसी को फर्दर डेवलप करके रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी JS मिल ने दी, हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक मांग का सिद्धांत।
उसमें जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे डिटरमिन होंगे, इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। नाउ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसी थ्योरी से रिलेटेड। इन इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिकल एम्फेसाइज्ड मोर ऑन, किस पे ज़्यादा एम्फेसिस करते थे, सप्लाई साइड और डिमांड बोथ साइड, ओनली सप्लाई साइड, ओनली डिमांड साइड, या जो है ओनली फोकस्ड ऑन द गुड्स विच वर ट्रेडेड, सिर्फ गुड्स पर ट्रेड कर फोकस करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली सप्लाई साइड, क्लासिकल एम्फेसाइज मोर ऑन द सप्लाई साइड। ये क्वेश्चन आपका GIC PGT 2009 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी रिकार्डो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज बेस्ड ऑन PGT 2010 का क्वेश्चन है ये। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किस पर बेस्ड है रिकार्डो की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर बेस्ड है, नहीं ये तो हैबरलर ने दी थी। एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये तो थ्योरी का नाम एडम स्मिथ की दी थी। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुड्स, तो जो रिकार्डो की थ्योरी है वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर बेस्ड है। ये इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन का मोबाइल एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ सेक्शनल टेस्ट पड़े हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। उन टेस्ट को दे के आप जो है अपनी प्रिपरेशन का जो है जायज़ा ले सकते हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है। और टेलीग्राम चैनल है जिसपे ये क्वेश्चंस किए, जैसे आप ऐप में नहीं देना चाहते हैं क्विज तो डायरेक्ट आपको PDF मिल जाएगी, PDF में आंसर वगैरह भी रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे जो अर्थशास्त्र मंच है बाय रोहित सर, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अर्थशास्त्र मंच आप सर्च करेंगे, अरे इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वहां से जा सकते हैं। अगर इन क्विज में जो है आप 85% एंड अबव स्कोर कर रहे हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है। और अगर जैसे आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं तो क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस्ड नहीं है, तो आप जहाँ पे भी जो वीक पॉइंट है आपके सिलेबस में उठा कर देखिए, उनको बुक से रिफ़र करिए, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।